वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो का सॉल्यूशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग कंप्यूट करंट रेशो। आपको करंट रेशो पता करनी है। करंट रेशो को पता करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या है ये आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि करंट रेशो कैलकुलेट करने का पर्पस क्या होता है। करंट रेशो कैलकुलेट करने से कंपनी ये देखना चाहती है क्या वो इस पोजीशन में है कि वो करंट लायबिलिटी पे कर सकती है कि नहीं पे कर सकती है, करंट रेशो कैलकुलेट करने से पता चलता है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें करंट रेशो का फॉर्मूला पता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यहाँ पे आपको इस जितने भी आइटम गिवन है इसमें से आपको करंट एसेट पता करने हैं। तो करंट एसेट हमारे कौन कौन से होंगे, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केट सिक्योरिटी और इन्वेंट्रीज, ये हमारे करंट एसेट हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे कोई करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सारे करंट एसेट पता करने हैं जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका 3,60,000 का गिवन था, प्रीपेड एक्सपेंस आपका 80,000 का गिवन था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके 1 लाख रुपीज के गिवन थे, मार्केट स्टेबल सिक्योरिटी भी 1 लाख रुपीज की गिवन थी और इन्वेंट्री कितने की थी, 1,60,000 रुपीज की। तो ये आपको मेंशन कर दें। करंट एसेट वो एसेट होता है जिनको विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपने सारे करंट एसेट पता कर लिए, प्लस करेंगे तो ये आपका 8 लाख रुपीस आएगा। अब आपको करंट लायबिलिटी पता करनी है। तो बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, संदरी क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है और एक्सपेंस पेबल भी आपकी करंट लायबिलिटी है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो 40,000 बिल्स पेबल है, 2 लाख करंट संदरी क्रेडिटर है और 1,60,000 का एक्सपेंस पेबल, ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। इसको प्लस करने पे आपके पास 4 लाख आएगा। आप फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारा, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। तो 8 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो ये आपका किस रेशो क्या रेशो आएगी, ये आपकी 2:1 आएगी। तो 2:1 ही हमारी करंट रेशो है, यही हमें पता करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.